गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर टू इन इंग्लिश सब्जेक्ट, द विन एंड द सन. टुडेज टॉपिक इज वर्ड्स मीनिंग्स. ये चैप्टर टू की वर्ड्स मीनिंग है जो हमें नोटबुक के अंदर करनी है. ठीक है, फर्स्ट है ऑटम. इट मीन्स हार्वेस्ट, विंड, एयर, थिक, डेंस, स्ट्रॉन्गर, पावरफुल, ब्लो, पुट आउट एयर विथ समथिंग, शाइन टू रिफ्लेक्ट लाइट. ओके, तो ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग. ठीक है, वर्ड्स मीनिंग यू शुड राइट इन योर नोटबुक. ओके, एंड नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इट इज फर्स्ट इज हु मेट ऑन अ हिल. क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु मेट ऑन अ हिल. हिल पर पहाड़ों पर कौन मिले थे, द विंड एंड द सन मेट ऑन द हिल. ओके, तो हिल के ऊपर विंड एंड द सन मेट ऑन द हिल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन वियरिंग. मेन वियरिंग, मेन के क्या पहना हुआ था. यस, द मेन वाज वियरिंग थिक कोट. उसके कोट पहना हुआ था मोटा सा. डज द मेन टेक ऑफ हीज कोट व्हेन द विंड ब्लो. देखो क्या हुआ था, मेन ने क्या कोट उतारा था जब तेज हवाएं चल रही थी. जब मेन ने कोट उतारा था क्या, नहीं उतारा था. तो आंसर इज नो, द मेन डज नॉट टेक ऑफ हिज कोट व्हेन द विंड ब्लो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हेन डिड द मेन टेक हिज कोट ऑफ. तो मेन ने कब अपना कोट उतारा था, कब उतारा था. द मेन टुक हिज कोट ऑफ व्हेन द सन सून सो ब्राइटली. जब सन अपनी तेज रोशनी उस पर डाल रहा था तब उसको गर्मी लगी और उसने अपना कोट निकाल दिया. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर है बेटा. ये सारे क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड्स मीनिंग आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है. ओके, थैंक यू.